बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम पीलीभीत में हैं। पीलीभीत में सैयद अब्दुल बसीर मियाँ और अल्लाह मियाँ की दरगाह पर हैं। 101वां सालाना उर्स अल्लाह मियाँ व उर्स क़िबलाए आलम आज जो है उसका एहतिमाम हो रहा है। आज दूसरा दिन है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसको भी मैं लाइव दिखाऊंगा। और मैं कुछ ख़ास बात जानना चाहता हूं, ख़ास तौर से अल्लाह मियाँ के सिलसिले के बारे में, शिजरे के बारे में मैं आपका का तारुफ करा देता हूं। आप हैं अलहाज मौलाना नूर मोहम्मद कादरी साहब, खादिम दरबार कदीरी साहब, माफ़ कीजिएगा, अलहाज मौलाना नूर मोहम्मद कदीरी साहब हैं, खादिम दरबार अल्लाह मियाँ। बहुत कुछ जानना चाहता हूँ शिजरे से लेकर के, यहाँ इंतजाम से लेकर के। साथ ही साथ हमारे साथ हैं सैयद महफूज मियाँ हुजूर, नायब सज्जादा नशीन अहमद अलीशा मियाँ भटपुरा शरीफ। अब मैं आपको बता दूँ कि कुछ सिलसिले के बारे में मैं ख़ुद भी बताना चाहता हूँ। अगर सिलसिले की बात करूँ, अल्लाह मियाँ के पीर मुर्शिद हैं हुजूर शाहजी मियाँ हुजूर, और शाहजी मियाँ के पीर मुर्शिद हैं अहमद अलीशा मियाँ भटपुरा शरीफ, जहाँ से हजरत हैं दरगाह से। इसी तरह से अहमद अलीशा मियाँ के जो पीरो मुर्शिद हैं शाह दरगाही मियाँ, जिनका रामपुर में दरगाह है, इसी तरह से शाह दरगाही मियाँ के जो पीरो मुर्शिद हैं हुजूर हाफिज़ शाह जमालुल्लाह साहब। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिलसिला आया वो भटपुर शरीफ से आया शाहजी मियाँ, और शाहजी मियाँ से फिर इधर आया अल्लाह मियाँ के लिए। मैं सबसे पहले हजरत से बात करूँगा, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अलहाज मौलाना नूर मोहम्मद कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हजरत सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो 101वां वर्ष। आपको भी बहुत मुबारक, तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इंतजाम तो देख ही रहे हैं, यहाँ के शिजरे के बारे में, यहाँ के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएँ। जी जी, आज जिस ज़ात बबरकत का उर्स पाक है, जिनको हम जानते हैं सैयदना ताजुल रफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद अब्दुल बसीर मियाँ अलमारूफ सरकार अल्लाह मियाँ, आपका नाम सैयद अब्दुल बसीर मियाँ है, और अल्लाह मियाँ जो है सरकार आपके पीर मुर्शिद हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का लकब दिया हुआ है। क्योंकि आप जिस जगह हम आते में खड़े हैं, और इस जगह एक मस्जिद है बराबर में नूरुल हुदा, इस मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ने भी कोई नहीं आता था, इतने जिन्नातों का कब्जा था। तो जब सरकार अल्लाह मियाँ पेशावर से चलकर सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की बारगाह में शरफ बैत होने आए, तो सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने इस मस्जिद में भेजा और कहा कि मौलवी साहब उस जगह बैठकर कसरत से जिक्र अल्लाह करो। तो आपने इस कसरत के साथ जिक्र अल्लाह किया, इस कसरत से साथ जिक्र अल्लाह किया कि तमाम जिन्नात जो थे वो आपके ताबे हो गए, जो मुनाफिक थे वो उनको भगा दिया गया यहाँ से, और आज भी इस आते के अंदर जिन्नात हैं। तो सरकार अल्लाह मियाँ ने कसरत से अल्लाह किया, उनकी कसरत अल्लाह से तमाम आलम उनको अल्लाह मियाँ के नाम से जानने लगा। तो एक दिन सरकार अल्लाह मियाँ को सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने भी अल्लाह मियाँ का लकब दिया। आज पूरी दुनिया आपको सरकार अल्लाह मियाँ के नाम से जानती है। आपका शजरे नसब जो है, आप सरकार सैयदना गौसुल अकबास हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की 13वीं औलाद हैं। आपके जो शजरे नसब है वो आप सरकार सैयदना हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक अब्दुल वहाब उनकी औलादों में से 13वें बेटे हुजूर गौसे आजम के जो हैं वो सरकार अल्लाह मियाँ हैं। और आपका जो शजरे सिलसिला चलता है वो सरकार हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ तक पहुँचता है, वहाँ से भटपुरा शरीफ पहुँचता है हुजूर अहमद अली शाह मियाँ से, फिर रामपुर शरीफ सरकार हुजूर हाफिज़ शाह जमालुल्लाह, और वहाँ से जो है हमारा सिलसिला जब पहुँचता है हुजूर मुजद्दिद आज़म हुजूर मुजद्दिद अल्फिसानी शेख सरंदी फारूकी रदी अल्लाह ताला अन्हो के, जिनको चारों सलासिल से इजाज़त हैं। हमारे सिलसिले को सिलसिले कदीरिया सिलसिले कादरी की भी इजाज़त है, सिलसिले चिश्तिया की भी इजाज़त है, सिलसिले साबरिया की भी इजाज़त है, सिलसिले नक्शबंदिया की भी इजाज़त है। ये चारों इजाज़तें जो हम तक पहुँच रही हैं वो हुजूर शेख मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो से पहुँच रही हैं, और उनका शजर नज़ब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलता है। हजरत ये बताएं 101वां उर्स का इहतिमाम जो हो रहा है, किस तरह के इंतजाम हैं, कहां कहां से लोग आए हुए हैं? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी एक कमेटी है दरबार अल्लाह मियाँ की, जो तो पूरा मैनेजमेंट देखती है और उसी के तहत पूरा निज़ाम चलता है,
और आज तकरीबन दिल्ली से, बिहार से, सूरत से, गुजरात से, रामपुर से, आजमगढ़ से, भागलपुर से, और खुसूसी हमारे जो मुकर्रर हैं आज हुजूर किचोचा से, दरगाह किचोचा शरीफ से हुजूर माज अशरफ साहब तशरीफ लाए हुए हैं, और ये तमाम दरगाहों के सज्जादगान भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। बहेली शरीफ से सिलसिले शेरिया के तमाम सज्जादगान भी तशरीफ लाए हुए हैं, और भी तमाम उलमाए किराम और मुरीदों की, मुरीदीन की तमाम कसरत है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसपास का जितना पूरनपुर, पीलीभीत, खटेमा, ये हमारा एक ज़िला पड़ता है, इसके बाद ज़्यादातर हमारे पास रामपुर से, दिल्ली से, बरेली से, मुरादाबाद से, और इधर रुद्रपुर से, काशीपुर से, जसपुर से, इन तमाम इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कदीरिया फैला हुआ है, और तमाम मुरीदीन आज सरकार अल्लाहू मियाँ के जो है उर्से पाक में हाजिर हुए हैं, और तमाम अकीदतों के साथ, मोहब्बतों के साथ दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। कुल शरीफ की बात करूँ तो कुल शरीफ क्या क्या वक्त मुकर्रर रहेगा सुबह में? जी कल वैसे तो दो दिन हो गए कुल शरीफ होते हुए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ परचम कुशाई से हो चुका है। आज की रात में सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, कबल फजर तक ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस सरकार अल्लाहू मियाँ चलेगी, और सुबह 9 बजे से सरकार अल्लाहू मियाँ का आखिरी विसाली कुल शरीफ शुरू होगा। जो आपके विसाल का वक्त है वो 1:40 पर है, तो 9 बजे से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि उलमाओं की कसरत है और शोराओं की कसरत है तो टाइम ज़्यादा होता है, इस वजह से 9 बजे हमारा ठीक प्रोग्राम इसी आते में दरबार अल्लाहू मियाँ के सहन में शुरू होगा, और जो तमाम तकरीबात के साथ अपने अंजाम पजीर होगा। 1:40 पर ठीक कुरान पाक की तिलावत के साथ सरकार अल्लाहू मियाँ का विसाली कुल शरीफ शुरू होकर, और तमाम हिंदुस्तान के लिए, तमाम कौम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए चैन अमन शांति की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। देखा जाए पीलीभीत की बात आई और भटपुरे शरीफ का नाम ना, ऐसे कैसे हो सकता है? जी जी, तो हजरत मैं यही कहूँगा कि आज आप भी तशरीफ़ लेकर आए उर्स में, यहाँ पर इस दरगाह को लेकर के क्या कहेंगे और क्या ख़ास तौर से खुसूसी तौर से दुआ की गई? बस पैगाम यही है कि हम औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलें, जिनकी बारगाह में हम आए हुए हैं, कि इस तरह उन्होंने ज़िंदगी को गुजारा उसी तरह हम उनके नक्श कदम पर चलकर ज़िंदगी गुजारें, तभी हमें कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह वालों के तौर तरीक़े पर अमल करें, अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होंगी। सरकार अल्लाहू मियाँ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा, जिस तरह अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे, हम उनकी तालीमात पर अमल करके हम भी अपनी ज़िंदगी इसी तरह बसर करें। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गान दीन के नक्शे पा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ मौलाना राशिद हसन कादरी बीसलपुरी हैं, नात ख्वाँ हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हज़रत अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत मैं यही सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं? ऐसे तो हज़रत ने बताया बहुत सारे उलमा आए हुए हैं, आप इस मौजू पर क्या कहना चाहेंगे? आज की हमारी 3री तकरीब है, पहले दिन परचम कुशाई हुई थी, शक्ल में वो तरह मुशायरा था, उसमें शोरा हजरात ने, मकामी शोरा हजरात भी थे और शहर से मकामी हजरात भी, इससे दीगर इलाकों से भी शोरा हजरात ने शिरकत फरमाई थी, अपना इजहार ख्याल फरमाया, और आज इस उर्से अल्लाहू मियाँ के यानी कि 101वें सालाना उर्से मुबारक की 2री तकरीब है, जो बशक्ल सरकार अल्लाहू मियाँ कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रही है। तो इस महफिल के अंदर मुख्तलिफ मकामात से शोरा हजरात, नातखा हजरात और खुतबा हजरात, सूफिया मशाइख कसीर तादाद में शिरकत फरमा रहे हैं, और मुख्तसर तौर पर अगर मैं तारुफ़ करूँ तो हमारे मखदूम ज़ादे सैदना हजूर अहमद अली शाह मियाँ के सज्जादा नशीन, हजूर नकीबुल असफिया हज़रत किबला शाह सैयद अब्दुल अज़ीज़ मियाँ साहब किबला, आपके साहिबजादे हमारे हमरा हैं हज़रत किबला मौलाना सैयद महफूज मियाँ साहब किबला, और पीर तरीक़त सूफ़ी ज़ुबैर मियाँ साहब किबला भी तशरीफ़ फरमा है, आप भी शिरकत फरमा है, और उसके साथ साथ हमारे मखदूम ज़ादे हुज़ूर शाह दरगाही महबूब इलाही के सज्जादा नशीन हज़रत किबला पीर तरीक़त सूफ़ी सैयद शाहिद मियाँ साहब किबला की भी तशरीफ़ आवरी यकीनी है। वहीं पर हमारे मखदूम ज़ादे हुज़ूर हाफिज़ शाह मौला के सज्जादा नशीन हुज़ूर शाह फहद मियाँ साहब किबला भी, उनकी भी आमद यकीनी है, और बहुत से मशाइख इकराम आए हैं हमारे मकनपुर शरीफ से, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा शाह सैयद हुज़ूर इख्तियार मियाँ साहब किबला सज्जादा नशीन मकनपुर शरीफ भी तशरीफ़ फरमा है। वहीं पर हमारे हुज़ूर ताजदार फ़ख्र मलंगा बाबा मासूम अली शाह मलंग के खलीफा अज़ीज़ ब्रिजेश हमारे दरमियान मौजूद हैं,
ان کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے خطبہ حضرات نعتخواں حضرات ہیں، کس کس کا نام شمار کیا جائے، لیکن جو قابل ذکر اور قابل تعریف جو نام ہے وہ آج کا ہمارے مقرر خصوصی روحانی اولاد ہے، چونکہ مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کی، اور ابھی ہمارے بڑے بھائی مولانا نور قدیری صاحب بتا رہے تھے، تو فرزند حضور مخدوم اشرف حضرت علامہ سید معاذ اشرف صاحب قبلہ، وہ بھی آج ہمارے مقرر خصوصی ہوں گے. باقی ہمارے مقامی اور دیگر مقامات سے، مختلف جگہوں سے شعرا حضرات اور مشائخ صوفیہ تشریف لائے ہیں. آج کا یہ مکمل ہمارا پروگرام ہو کر کے کل 1:40 پر وصال کل شریف ہو کر کے ہماری محفلیں اختتام پذیر ہوں گی. وہیں پر سرکار قبل عالم صاحب کا 9 سالہ عرس مبارک یہ ہے، تو 28 ربیع الاول شریف کی یہ ہماری آخری تقریبات میں شامل ہیں. تو یہ مختصر سے ہمارے پروگرام تھے جو میں نے. بہت بہت شکریہ حضرات، آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا. ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد کانفرنس جو چل رہی ہے اس کو بھی میں لائیو دکھاؤں گا، اور جس طرح سے اللہ میاں کے بارے میں، جو طرح سے بزرگان دین کے بارے میں آپ حضرات نے جس طرح سے جانکاری دی، تو آپ لوگوں نے بھی جانا. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے. چلتے چلتے میں اپنے سہیوگی سے کہوں گا درگاہ کی طرف ضرور ایک بار کیمرہ گھما دیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. Thank you.